नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड सिंगर नेहा वसीन के बारे में जानेंगे। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा वसीन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 में नज़र आने के बाद सिंगर काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो आइए अब जानते हैं नेहा वसीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेहा वसीन ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पॉप पी पॉप स्टार के लिए ऑडिशन दिया था और इसमें वो सिलेक्ट भी हो गई थी। इस शो के कार्यकाल के दौरान नेहा ने भारत का पहला ऑल गर्ल्स बैंड बनाया था जिसका नाम वीवा था। सिंगर ने महज 18 साल की उम्र में अपनी गर्ल टीम के साथ इस शो का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि शो खत्म होने के 2 साल बाद नेहा का बैंड ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक सका। बाद में नेहा वसीन ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। फैक्ट नंबर 2, वीवा नामक इनके गर्ल्स बैंड का पहला ही परफॉर्मेंस इतना धमाकेदार था कि उसे सुनने के लिए 50,000 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। फैक्ट नंबर 3, अपने पहले ही प्रोग्राम में इतनी भीड़ जुटने के कारण इनके बैंड का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। फैक्ट नंबर 4, हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेहा वसीन ने यह साफ कह दिया है कि वह इस जन्म में मां नहीं बनना चाहती। उन्होंने बताया कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। सिंगर का कहना है कि चाहे वो मेरा अंग्रेजी एल्बम हो या वर्ल्ड टूर, मैं अपने सभी सपनों को हासिल करने का विचार कर रही हूँ। वहीं जब नेहा से पर्सनल लाइफ पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं इस जीवन में माँ नहीं बनना चाहती, मैं एक अनाथालय चाहती हूँ जहाँ मैं 10 से 12 बच्चों का पालन पोषण करूँ, उन्हें शिक्षा, प्यार और वह जीवन दूँ जिसके वे हकदार हैं। आगे नेहा ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने अडॉप्शन का सोचा था, लेकिन अब वो इससे भी बेहतर सोच रखती हैं और अगले 2-3 सालों में वो इस तरह का काम शुरू भी कर देंगी। फैक्ट नंबर 5, नेहा वसीन ने साल 2017 में संगीतकार समरुद्दीन से इटली के टस्कनी में गुपचुप शादी रचाई थी। सोशल मीडिया पर पति संग शादी की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने खुलासा किया था। नेहा ने कैप्शन में लिखा, मैं आपको ये बताते हुए बहुत ही खुश हूँ कि मैंने 23 अक्टूबर को टस्कनी में अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने जीवन के प्यार से शादी की है। फैक्ट नंबर 6, नेहा वसीन ने अपनी बेहतरीन आवाज़ के दम पर सर्वश्रेष्ठ गायिका और सेंसेशन म्यूजिक ऑफ द ईयर के अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। नेहा वसीन ने नीरजा, सुल्तान, गुंडे, मेरे ब्रदर की दुल्हन और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। बॉलीवुड के अलावा नेहा वसीन ने मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भाषा में भी गाने रिकॉर्ड किए हैं। सुल्तान फिल्म का बहुत ही फेमस सॉन्ग जग घूमिया को नेहा वसीन ने ही गाया है। फैक्ट नंबर 7, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के एक एपिसोड के दौरान नेहा वसीन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्हें एक परफॉर्मेंस के दौरान छोटे कपड़े पहनने की वजह से स्टेज से जाने के लिए कह दिया था। इसके आगे उन्होंने बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो दशक से भी ज़्यादा समय से इंडस्ट्री में मेहनत कर रही हैं और अब जाकर उन्हें असली पहचान मिली है। फैक्ट नंबर 8, दिल्ली में जन्मी इस सिंगर ने भले ही 2017 का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता हो, लेकिन इससे पहले भी ये कई ऐसे काम कर चुकी हैं जो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो ये थे नेहा वसीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।